इन्वर्टर का काम हो गया है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, बताओ मैं कैसी हूँ। मतलब ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब बैंक में है लेकिन मेरे पास हाथ में 500 रुपये भी मैंने नहीं रख रखे हैं। बताओ, मेरे को पता भी नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। बताओ सही में, बिल्कुल ही मैं नहीं रखती हूँ। अभी दूध के पैसे देने थे तो दूध के टाइम दे दिए मैंने जो मेरे पास थे, अभी देखा मेरे पास सिर्फ 70-80 रुपये रखे हैं। तो अभी मैं पापा जी के पास फ़ोन कर रही थी कि पापा जी आ जाए, वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। देखो अब मम्मी से बात करती हूँ, मम्मी देंगे अगर उनके पास होंगे तो। मम्मी दे रहे हैं पैसे, मम्मी के पास होंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये नेक्स्ट डे आ गया था, अगला दिन। मैं सुबह नहा ली थी और मैं मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, विहान को। मैं बताना चाहूँगी, विहान की एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी और वो फिर वो मम्मी पापा जी और के जो घर है वहाँ पर था, वहीं सो गया था। तो मैं उसकी इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, तो मैं मेरी मम्मा को बोली कि मम्मी विहान को ले आओ, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा बच्चे के बिना, इतने कई घंटे हो गए उसको देखा भी नहीं मैंने। तो मम्मी पापा जी को मैंने फ़ोन किया, फिर पापा जी मम्मी को लेकर गए स्कूटी पे, क्योंकि अकेला तो विहान को पापा जी ला नहीं सकते, क्योंकि कोई साथ में बैठा हुआ होना चाहिए ना, तभी विहान आएगा। तो इसीलिए ना मैं पापा जी जस्ट गए घर से और मैं विहान के लिए, मेरे को था कि 10-15 मिनट में विहान घर आ जाएगा, तो मैं ना उसके लिए विहान के लिए ना अनार काट रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ना ये था कि छोटा बच्चा है और कुछ खा नहीं रहा, ये एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अनार जाएगा। तो कहते हैं ना अनार अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इसीलिए एडवांस में काट के रख रही थी ताकि ना विहान आए तो मेरा टाइम ख़राब ना हो, आते ही मैं उसको कुछ खिला दूँ, क्योंकि मेरे को तसल्ली नहीं हो रही थी। एक माँ के तौर पे मेरे को लग रहा था मेरा बच्चा सुबह से भूखा सा है, क्योंकि सुबह भी कुछ नहीं खाया था और सोई सोए जा रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरा अनार, दो अनार काटे थे लेकिन इसने खाया बहुत ही, 2-3 चम्मच ही अनार खाए हैं, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिए ठंडे, हो जाएंगे आज पूरे दिन में, मतलब अब दोबारा नहीं काटूँगी मैं अनार। जैसे शाम को थोड़ा बहुत अनार फिर खिला दूंगी, जो बचेगा थोड़ा बहुत अनार मैं खा लूंगी। तो ये चाकू मैंने उठा के ऊपर रख दिया था रसोई में, क्योंकि छोटा बच्चा है कहीं हाथ हाथ में ना लगा ले, डर लगता है। तो यहाँ पे ना मैं बार बार क्या कर रही थी, मैं कम से कम 10-15 मिनट ना बाहर जाती और देख के आती थी कि मैं कहा विहान आया विहान नहीं आया, तो खिड़की से देखे जा रही थी पर विहान आया ही नहीं था। तो बस मैं फिर पापा जी के पास फ़ोन मिलाए जा रही थी कि पापा जी जल्दी ले आओ मेरा, तो मैं बेचैनी सी हो रही थी मुझे विहान को देखे बिना। तो ये देखिए जब विहान आया तो मैं विहान को देख के इतनी खुश हुई ना, मेरा दिल एकदम खुश हो गया अपने बच्चे को देख के। मतलब कई घंटे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक दिन भी मैं विहान के बिना नहीं रह सकती, कई घंटे ही नहीं रह पाती हूँ। अब कुछ घंटे, 4-5 घंटे मेरी नज़रों से विहान दूर हुआ ना, मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था, मेरे को लग रहा था मेरा बच्चा मेरे को दे दो, कहाँ है मेरा बाबू, मुझे उसे अपने गले लगाना है। तो जैसे ही पापा जी और मम्मी लेकर आए विहान को, तो मैं उसको प्यार से अच्छे से गले लगा रही थी और अपना मम्मा और बेटा आपस में थोड़ा सा प्यार भी कर रहे थे, और मैं विहान को थोड़ा सा कोशिश कर रही थी कि अनार खा ले, क्योंकि मैं चाहती थी कि विहान के पेट में भी कुछ जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं खाने लग रहा था और थोड़ी सी विहान में से ना स्मेल भी आ रही थी, तो मैं क्या करूँगी विहान को नहला दूँगी। आप सोचोगे क्या स्मेल आ रही थी, एक्चुअली क्या था ना, बच्चे के वोमिटिंग वगैरह लग जाती है तो वैसे ही थोड़ी सी अंदर शरीर से ही थोड़ी सी ऐसी होती है ना अजीब सी, शरीर से थोड़ी सी स्मेल सी आ रही थी वोमिटिंग्स की। वैसे तो मैंने कल नहला दिया था उसको लेकिन फिर भी थोड़ी सी आ रही थी, तो अभी मैं इसको दोबारा से नहलाऊँगी, नहलाने के बाद इसको पाउडर वाउडर लगा लूँगी ताकि बच्चा भी थोड़ा सा फ्रेश और अच्छा महसूस करे। और ये देखिए ये पापा जी ने बनाया था विहान के लिए परांठा, ये चीनी का परांठा है, हम सब ने बचपन में कभी ना कभी चीनी का परांठा जरूर खाया होगा, मैं तो बहुत खाती थी चीनी का पराठा, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो विहान को खिला रहे थे बट अभी कुछ नहीं खा रहा, अभी धीरे धीरे इसका थोड़ा सा खाने का सिस्टम बनेगा, क्योंकि एकदम से बच्चा बीमारी से उठता है ना तो एकदम से कुछ नहीं खाता। तो गर्मी से आया था तो मैं इसको थोड़ा सा विहान को यहाँ पानी पिला रही थी, ताकि गर्मी है ना बच्चे को थोड़ा थोड़ा पानी ना मैं हर एक घंटे बाद पिलाती रहती हूँ, ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन बिल्कुल भी ना हो। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही थी, अनार थोड़ा थोड़ा खा रहा था, थोड़ा थोड़ा
फेंक रहा था, और ये देखिए मैंने भी अनार काट दिए थे, और ये देखो पापा जी ने भी उस घर में अनार काट के भिजवाए थे विहान के लिए, तो कितना सारा अनार इकट्ठा हो गया है। तो अब यही अनार हम पूरा दिन फ्रूट्स में निपटाएंगे, और कोई फ्रूट मैं नहीं काटूंगी, फायदा नहीं है, पहले ये अनार ही खत्म करने चाहिए ना। तो यहाँ मैं अपने बाबू को थोड़ा सा प्यार कर रही थी, और खाना हमारा ये तैयार हो हमारा गया था। लंच है, मैं आते करूंगी, चावल बहुत जाते हैं, देखिए राजमा भी जाते हैं। हाँ बेटा, हाँ मम्मा, हाँ मम्मा, मम्मा के बच्चे सबको हेलो बोल दो बेटा, बहुत चिंता हो रही थी मुझे आपकी, बहुत बीमार हो गए थे ना बेटा, कमजोर निकल गए, ये देखो बेटा, बेटा कमजोर हो गए ना। हाँ खाना खाएगा ना, कल पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया मेरे नानू ने, खाना खाएगा ना, तो आप भी खा लीजिए हमारे साथ। मैं कोशिश करती हूँ कुछ खा ले, जो खाएगा थोड़ा थोड़ा देती रहूंगी, शरीर में कुछ तो जाए, बिल्कुल ही सूख गया है। कल एक्चुअली क्या था कि ना, जो इन्वर्टर लगाने वाले जो भैया आए थे, उन्होंने मुझे ये कुछ फोटोज़ दिखा रहे थे, एक्चुअली उनका काम हो गया था, उसके बाद ये मुझे देखिए कुछ सूट दिखा रहे थे, और इन सूटों की खासियत ये थी जो आपको यहाँ वीडियो में मैं दिखा रही हूँ, ये उन्होंने, उनकी जो मिसिज़ हैं, उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने खुद अपने हाथों से देखिए कढ़ाई की हुई है सारी, मतलब ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर है। उनके पास कढ़ाई की, उन्होंने बताया भैया ने कि उनके पास मशीन है जिसमें क्या होते हैं डिजाइन्स वगैरह तैयार हो जाते हैं, जैसे आपको अगर मान लो सूटों पे सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनवाने हो, तो क्या बता रहे थे, वो बता रहे थे कि उनके ना क्या होता है कि जैसे लेडीज होती हैं, तो दो दो तीन तीन ना सूटों का कपड़ा बाजार से खरीद लाती हैं, मतलब प्लेन कपड़ा ले आती हैं, और उसके बाद डिजाइन बता देती हैं कि ये वाला डिजाइन उनको सूटों पे चाहिए, तो ये डिजाइन उस हिसाब से वो तैयार करके फटाफट मतलब कस्टमर के हिसाब से वो दे देती हैं। तो ये डिजाइन तो मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा था, ये कौए वाला डिजाइन कितना ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो ये देखिए आजकल कितना कुछ है करने के लिए, हम लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो भाई कितनी अच्छी कला उनके पास है, देखिए घर बैठे अपना काम कर रहे हैं इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, उन्होंने डिजाइन दिखाए, तो मेरे को लगा चलो मैं आपके साथ भी अच्छे अच्छे डिजाइन शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए कुछ भी डिजाइन हो वो आप बनवा सकते हो, तो इसके लिए ना मैंने सोचा चलो मैं भैया को, भैया बोलते कि आप बता दीजिए अगर किसी को बनवाना हो, तो यहाँ पे ना मैं ना एक नंबर भी दे रही हूँ, ये देखिए साइड में लिखा हुआ है, तो इस नंबर पे आप फोन करके अगर आपको कुछ मतलब ऑर्डर इस तरीके का तैयार करवाना हो, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है आजकल, देखिए कितना अच्छा कढ़ाई वर्क है, इतना सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल सूट है, वो भी देखिए इतनी अच्छी कढ़ाई है, तो अगर आपको करवानी हो तो ये देखिए साइड में नंबर है, ये मैं आपको दिखा दिया, आप यहाँ से करवा लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। तो ये भैया का फ़ोन था, मैं उनको वापस दे रही थी, तो ये इन्वर्टर के लिए आए थे, दिन में पूरा दिन इसी में ही चला गया था आधा एक घंटा, तो भैया तो इसका भी बस यही चीज़ थी, चलो इन्वर्टर तो हमारे घर लग गया। और ये देखो पीछे से मम्मी विहान को लेके आ रही थी, क्योंकि ये बाहर भाग रहा था, और गर्मी में धूप इतनी ज़्यादा है तो ठीक नहीं रहता छोटे बच्चे के लिए ना। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मेरा लंच में है कॉर्नफ्लेक्स, सिंपल सी मेरी रेसिपी है, आपको तो पता ही है, यही खाती हूँ। इसके बाद ये जो कपड़े आप देख रहे हो, ये ना सारे धोके सूख गए थे, तो ना मैं यहाँ पीछे स्टोर रूम में ले आई थी, और ना क्योंकि वहाँ पे ना एक्चुअली पीछे आगे वाले रूम में अभी दोबारा से पोछा लगाया था, थोड़ा विहान को खाना वाना खिलाते हैं ना, तो ज़मीन पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ फैल ही जाता है, तो यहाँ पे देखिए ये सारे कपड़े ना मैं हिसाब से लगाती हूँ, जैसे इसमें से मैं छांट लूँगी, जो मेरे कपड़े होंगे जैसे टी शर्ट हो गए, पजामा हो गया, वो मैंने अपना जो अलमारी का खाना है उसमें मैं लगा दूँगी, डेली यूज़ के जो मेरे कपड़े होते हैं, और इसमें जैसे बेडशीट हैं, ये रात को जैसे ओढ़ नहीं होती है, तो इनको मैं अलग से रख देती हूँ, तो तय करके अभी रख दूँगी, रात को निकाल लेंगे, ऐसे ना घर फैलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम ना पूरा दिन हल्का फुल्का, ऐसे आप बिजी भी रहते हो और आपको एक काम मिलता रहता है, पहले की तरह नहीं कि हाँ पहले इकट्ठा कर लो बहुत सारा काम, बाद में इतना सारा एकदम से झंझट सा लगता है कि अब क्या क्या करें। तो ये बेडशीट्स तो आपको पता ही है, मैंने अभी पिछले साल ही खरीदी थी, और अभी मैं 1 साल कुछ नहीं बेडशीट खरीदने वाली हूँ, अभी इन्हीं में ही काम चलाना है,
सारी नई बेडशीट है, कुछ भी पुराना नहीं हुआ है, तो इनको तय करके लगा देते हैं। और यहाँ पे विहान रोने लग गया था बीच में। एक्चुअली मैं स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके काम कर रही थी ना, तो वो दरवाजे पे नोक कर रहा था कि मुझे अंदर आना है, क्योंकि ना वो एक्चुअली क्या होता है कि मेरे को काम नहीं करने देता, इसीलिए मैं क्या करती हूँ दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। अंदर आता है फिर पता है शरारतें बहुत करता है ये। तो यहाँ पे ये टावल भी धो दिए थे, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, जैसे नहाने के बाद ना जैसे डेली टावल वगैरह भी धो ही लेना चाहिए, मतलब हर दूसरे दिन तो वॉश कर ही लेना चाहिए। तो ये तौलिए हैं, इनको भी मैं तय करके अपना अलमारी में लगा दूंगी। ये विहान की कुछ पजामियाँ हैं जिनको मैं सीधा करके, जैसे मैंने विहान के लिए ना अलमारी में एक खाना बना रखा है जिसमें डेली यूज़ के जितने भी विहान के कपड़े हैं मैं सारे उसी खाने में लगा के रखती हूँ। तो ये देखिए ये सारे विहान के जो कपड़े हैं इनको भी मैं अच्छे से तय करके लगा देती हूँ। मुझे ना इससे मेरा ना टाइम की बहुत बचत हो जाती है, क्योंकि जो भी सामान है पता होता है कि यहाँ पे रखा हुआ है तो उसी वक्त मिल जाता है, कुछ ऐसा नहीं होता, फिर ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आती है। तो चलिए ये काम तो हम करते रहेंगे, दिन का टाइम था, टाइम पास भी हो जाता है घर के काम करने में और थोड़ा मन भी लगा रहता है। तो चलिए ये काम मैं अब ऑफ कैमरा सारा कर लूँगी, घर का साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करूँगी, डेली रूटीन है मेरा चलता रहेगा। पर इस वीडियो का मैं यही एंड कर रही हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए।